आप लोग टीवी पर खतरों के खिलाड़ी जैसे टीवी वाले रियल लाइफ हीरो को तो बहुत देखते होंगे, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ी हीरो से मिलवाने वाला हूं, जिनके सामने हर पल मौत खड़ी है, लेकिन वो मौत से भी जीत कर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। इंसानों के साथ साथ इन लोगों ने हर एक जीव जंतु की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है, फिर चाहे इसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। ये हजारों शहीद हो गए और लाखों की जिंदगी बचा गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की। नमस्कार, मैं हूँ टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम की खबरों का सबसे बड़ा शो क्राइम एपिसोड। आज के शो में मैं आपको वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बने फायर स्टेशन में तैनात वहाँ के जवानों के बारे में बताऊँगा कि कैसे इन्होंने अपनी जान पर खेलकर जिंदगियां बचाई हैं, और अभी हाल ही में एक पक्षी की जान बचाने का वीडियो भी इनका वायरल हुआ था, जिसमें लोगों ने इनके काम की बहुत तारीफ की थी। इस फायर स्टेशन में स्टेशन मास्टर के तौर पर यशपाल सिंह तैनात हैं, जिनकी पूरी जिंदगी दिल्ली वालों की सेवा करते हुए बीत गई है। जिंदगी के कई पहलुओं को इन्होंने यहाँ देखा है। जब हमने इस बारे में इनसे बात की तो देखे इन्होंने और इनकी टीम ने क्या बताया। सर, आज आपने जो है कि बर्ड को रेस्क्यू किया है, तो किस तरीके से किया आपकी पूरी टीम ने काम? वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या है वो पूरा मामला? हमें कॉल मिली थी शाम को कि पक्षी फंसा हुआ पेड़ पे। जैसे ही हमने देखा कि बहुत ऊँचाई पर था, कम से कम 40-50 फुट के आसपास होगा। पहले हमने बहुत कोशिश की, बहुत दिक्कतें आई हैं, तो फिर भी हमने बच्चों ने मेहनत की है। स्टाफ कितने घंटे में आपने उस चीज़ को रेस्क्यू कर लिया? कम से कम 3 घंटे के आसपास टाइम लगा है। अच्छा, मैं अगर ये बात करूँ कि आप जब से यहाँ सर्विस दे रहे हैं इस स्टेशन हाउस ऑफ इसमें, आपने अब तक इस ऐसी कितनी कॉल आई हैं आपके पास? मैं यहाँ 3-3.5 साल हो गए हैं, तो 200 के करीब कॉल आ गई हैं। 200 के करीब कॉल आ चुकी हैं। तो क्या सिर्फ पक्षियों की आती है या कुछ औरों की भी आती है? नहीं, पक्षी की भी है, जैसे नाले में गाय है, कोई शिविर में कई बार ये डॉग वगैरह भी फंस जाता है, छत पे बिल्ली भी फंस जाती है, तो इस तरह भी। एक फायर वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, वो ये है कि आप लोग लेट से पहुंचते हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, हम कभी लेट नहीं होते। हमें गाड़ी जैसे ही सूचना मिलती है 1 मिनट में हमारी गाड़ी निकल जाती है। मतलब 1 मिनट के अंदर आप अपने स्टेशन से गाड़ी निकाल देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, 1 मिनट में निकल जाती है। लेकिन आजकल ट्रैफिक देखिए कितना है, कोई रास्ते से हटके राजी नहीं है, गाड़ियाँ तिरछी वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। और जैसे तंग गलियाँ होती हैं, पतली पतली गलियाँ, वहाँ तो बड़ा चैलेंज होता है, उसमें बहुत हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो अगर लोगों को, दिल्ली वालों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जब आपके सामने समस्या आती है तो आपको किस तरीके की सहायता चाहिए दिल्ली वालों से? मेरी दिल्ली वालों से यही प्रार्थना है कि जब भी फायर की गाड़ी कोई देखे तो अपना साइड में रास्ता दे दीजिए हमें, जिससे हम जल्दी किसी की जान माल का नुकसान ना हो और टाइम से पहुँच के उनकी सेवा कर सकें। मैं अगर आपसे बात करने की कोशिश करूँ कि अगर आपने अभी तक जो सर्विस करी है, इस सर्विस में कोई भी एक ऐसा लम्हा जो आपको लगता है कि भैया जान पे खेल करके, जान की बाजी लगा करके किसी की जान बचाई है? ये तो जान की बाजी लगा के तो 99% सभी हम रेस्क्यू और फायर के अंदर एंट्री जो होती है वो करते ही करते हैं। बाकी मैं ये बता नहीं सकता क्योंकि अनगिनत, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी है इसके अंदर। डेली जान पर खेल के हम बचाते हैं। आज भी मेरी डेथ हो जाती, ईमानदारी से थे हम बर्ड रेस्क्यू पे, तो वो जो पत्थर था मेरे सिर पे 1 इंच की दूरी पे आधा किलो का बच के निकला। अच्छा। आप रेस्क्यू पर जो पक्षी होते हैं उस पर अमूमन हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर कम से कम अप्रोक्सीमेटली 60 फीट के ऊपर होगा, तो 4 बार तो उसमें बांस टूटे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और उसमें फिर एक्सटेंशन लैडर लगाने के बाद भी हमारा स्टाफ जो चढ़ा, हम नीचे से उसे पकड़े हुए भी खड़े हुए थे, तो अभी काफ़ी स्ट्रगल हुई। साहब ने, जैसे मेरे सीनियर बॉस ने बताया, एसटीओ यशपाल साहब चौहान साहब ने, तो उसमें तीन तो घंटे लगी गए थे। फिर जब उसमें हमें दिखा कि भाई कोई भी समाधान नहीं मिल रहा, फिर मैंने अपने सीनियर ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर यशपाल सिंह चौहान साहब को बुलाया था हेडक्वार्टर में कंट्रोल से बात करके, जिसमें उनसे काफ़ी मदद भी मिली। फिर एक्सटेंशन लगा के हमें साहब का काफ़ी हौसला भी मिला उसमें, तो हम काफ़ी ऊपर चढ़ गए थे। यूकेलिप्टस जिसे सफ़ेदे का पेड़ बोलते हैं, उसकी टहनियाँ भी कुछ कच्ची होती हैं,
दूसरा वो उसके अंदर कुछ ऊपर चढ़ने का साधन नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी चिकना होता है। तो फिर हमें एक्सटेंशन लैडर बड़ी जद्दोजहद के बाद कीचड़ गार जो नहर है ये जो दिल्ली के अंदर आ रखी है इसके साथ में रेस्क्यू करना था। जंगल वैसे ऊपर जो है यूकेलिप्टस के ऊपर अमूमन जो हमें जैसे पेड़ होते हैं तो वहाँ शहद के छत्ते एक होती है, वो तो देसी माल बोलते हैं उसे हरियाणा में यूपी में, एक होता है भरड़ का छत्ता तो वो भी हमें कई बार काट खा लेती हैं। तो अमूमन ऐसे कहीं ना कहीं समस्याएं हर कॉल पे एक समस्या आपके सामने खड़ी है हर कॉल पर। और जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम करते हैं परंतु जो और डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है जैसे कहीं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी परंतु जैसे हमें पता है कि भाई हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल 100% अननोन है और जो भी हमें आगे मिलेगा उसमें से 10 या 20% ही ऑनेस्टली बताते हैं क्योंकि जब भी हम एंट्रेंस करते हैं तो उसमें LPG सिलेंडर है, पेट्रोमैक्स सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, नाइट्रोजन का सिलेंडर है और जो अदर्स मीथेन गैस के सिलेंडर्स हैं तो 100% में से 100% यूँ नहीं बताते हैं कि हमारा चलान कट जाए, पुलिस केस बने, उस चीज़ को फेस हमें करना पड़ता है। वो अननोन होने की वजह से वो अंदर ब्लास्ट होता है और सेटबैक होता है और कई बार उसके अंदर जो अंदर वैक्यूम होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि एकदम ऑक्सीजन मिलके एक्सप्लोजन हो जाता है। सर काफ़ी साल की आपकी यहाँ सर्विस हो गई इस स्टेशन हाउस पे, मैं अगर आपसे बात करूँ कि आपकी पूरी टीम लगातार 24 घंटे कॉल पे जाती है लेकिन कोई एक ऐसी घटना मुझे बताइए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा समस्या आपको आई हो निकल करके कि आपको लगा हो कि आज ये जो कॉल थी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुसीबत वाली साबित हुई। हमारी तो हर कॉल ही मतलब मुसीबत वाली होती है, हमें ये पता नहीं हम जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा तो कभी ऐसा भी रहा है कि जान की बाजी मतलब हर कॉल पे मुझे पता है कि फायर वाले जहां आग लगती है वहां से तो लोग भागते हैं और आप लोग उस आग को बुझाने के लिए अंदर भागते हो, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी, एक जगह आग लगी और हम लोग कवरेज कर रहे थे और मैं बहुत दूर से उसको कवरेज कर रहा था लेकिन फायर कर्मी जो था उस आग के अंदर घुस के उस आग को बुझा रहा था और वहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मैं भी थोड़ा सा घायल हो गया लेकिन उसके बहुत ज़्यादा चोट आई, तो ये तो मैंने अपनी आंखों से सामने देखा है। क्या ऐसा इस आपके स्टाफ के साथ भी कभी हुआ? हाँ, प्रताप बाग में एक मकान में आग थी, उसमें ऊपर आदमी फंसे हुए थे, उसमें हम थोड़ा सा वो हो रहे थे भाई पहले आदमियों को बचाना है और नीचे फायर भी बुझानी है, तो कुछ किया अपना ठीक है, उनको भी बचाया और आग भी बुझाई। अच्छा, अगर ज़िंदगी बचाने की बात की जाए तो कितनी ज़िंदगियों को बचाया अभी तक? ये तो बहुत है, नौकरी 40 साल के लगभग हो गए तो काफ़ी आदमियों को इस तरह बचाया भी है। अगर मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछना चाहूं क्योंकि आप भी काफ़ी समय हो गया यहां काम करते हो, आप भी कॉल पर जाते हो, आसपास के जो इलाके बड़े कंजेस्टेड हैं क्या समस्या आती है? गाड़ी को बड़ा रास्ता नहीं देते लोग, कोई भी पूरा जाम रहता है सारा जाम। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आज आपने जिस तरीके से गए पक्षी की जान बचाई और किस तरीके की चीज़ें कॉल आपके सामने आती है निकल? आइए, हमने जमुना में रेस्क्यू किया था 96 में। अच्छा, जमुना में किया था आपने? स्कूल बस गिर गई थी बच्चों की। हाँ, उसमें एसटीओ राजन बड़ेरा साहब थे और यहाँ से बात छिकारा साहब गए हुए थे और आइए शर्मा साहब थे, उसमें हम 4-5 आदमी जमुना में सर्दी का मौसम था, बच्चे की जान बचाई, खुद घुसे थे जमुना में कुछ देर। तो मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क था कहना कहीं? बहुत बड़ा रिस्क था। अगर मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूं, मैं ये जानने की कोशिश करूं कि जब कॉल बजती है, जब घंटी बजती है टन 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 टन, तो फिर कैसा लगता है? मतलब डर जाते हो या फिर लगता है कि आप मौका आ गया काम करने का? मैं फायर ऑपरेटर सोनू नैन, जैसा कि हमारे साहब ने बोला, मैसेज आते ही कॉल का हमारा 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट में हमारी गाड़ी स्टेशन से बाहर कॉल पर निकल जाती है। तो आप जो जितनी भी कॉलें होती हैं उसको आप ऑपरेट करते हैं? ये हमारे स्टेशन एसटीओ साहब इंचार्ज जो है हमारे इसके स्टेशन के एसटीओ साहब होते हैं, एसटीओ साहब इंचार्ज जो हमारे एसटीओ यशपाल साहब। हाँ, तो आज जो वीडियो थी जो कहीं ना कहीं वायरल हो रही, उसमें एक शख्स और दिखाई दे रहे थे, नीले से कपड़े पहन रखे थे, वो इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं देख रहा था वहाँ बहुत लंबा डंडा आप बांध रहे थे और बहुत ऊँचाई पर वो पक्षी बंधा हुआ था, लटका हुआ था वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें रही वहाँ पर? मैं हमने 2-3 बार बांस के डंडे थे उनको बांधने के बाद ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद हमने जैसे साहब ने बताया कि एक्सटेंशन लैडर को हमने लगा के पेड़ पे चढ़ के उसका रेस्क्यू किया था, जिसमें पूरे में 2-3 घंटे के आसपास टाइम लगा था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि वो बच गया। मतलब आपने उस पक्षी को बचा लिया? जी। तो ऐसे पक्षी अगर वो मान लो वो पक्षी ज़्यादा घायल होता है तो आप लोग क्या करते हैं? घायल होता है मतलब क्या, किस तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ पर? वो ज़्यादा घायल होता है तो उस टाइम पे जो दिल्ली पुलिस हमारी सहायक ही है
वो वहाँ पे तैनात रहते हैं, हम उनके हैंडओवर करते हैं। अगर वो नहीं होते बाय चांस तो रजौरी एक हॉस्पिटल है एनिमल्स का, बर्ड्स का, हम वहाँ पे उनको छोड़ के आते हैं। आसपास की पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता है क्या वहाँ जब आप जाते हो? अब मैं देख रहा था इतना लंबा डंडा बांध रहे थे, उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग भी दिखाई दे रहे थे। आम पब्लिक हमारा बहुत सहायता देती है, बहुत सहायता देती है, उनके लिए बहुत दिल से थैंक्स है, दिल से थैंक्स है। देखिए कहीं ना कहीं आप जो फायर कर्मियों पे हैं कि आरोप लगाते हैं कि ये लोग लेट से पहुंचते हैं, लेकिन ये फिर भी किस तरीके से अपनी जान पे खेल करके, अपनी जान की बाजी लगा करके सभी, मतलब जीव जंतु हो या इंसान हो, सबके लिए मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जान की बाजी लगा करके उनकी जान को बचाते हैं। दिल्ली के चीफ फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट काम करता है। अगर असल में दो लाइन में कहा जाए तो दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट दिल्ली वालों की जान है। हर हाल में, हर मोड़ पर ये दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं। आग बुझाने के अलावा जो ये लोग काम करते हैं वो तो ज़्यादातर दिल्ली वालों को पता ही नहीं है, लेकिन आपके काम को हमारी टीम सलाम करती है। इस शो में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।